Hello friends, I hope you all are doing well. This is Shikha here from Let's Crush the Science. So friends, हम discuss कर रहे थे क्लासिक्स एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके फीचर्स क्या हैं और उनके हैबिटेट्स वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हम इस चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अंत तक मेरे साथ बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी यूज़फुल कंटेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो आज का चैप्टर हमारा है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। तो इसमें पहली और बूझो दो कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में। ऐसे कभी सीटेट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि आखिर जो हिमालयन रीजन था उसमें किस तरीके के पेड़ देखने को मिले थे, या फिर जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे आपको कैसे प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं, आखिर वो डिफरेंट, वो एक वेकेशन पे जाते हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को क्या करते हैं, विज़िट करते हैं। जैसे वो रिवर गंगा को ऋषिकेश में विज़िट करते हैं, वो माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं, हिमालयन रीजन जाते हैं जहाँ का वेदर उन्हें बहुत कोल्ड फील होता है और वहाँ पे वो बहुत सारे पेड़ देखने को उनको मिलता है माउंटेन रीजन में, जैसे कि ओक्स, पाइंस और देवदार्स। ऐसे ही वो आगे अगर बढ़ते हैं तो वो ट्रैवल करते हैं राजस्थान का, जहाँ पे आपको ड्राई वेदर कंडीशन देखने को मिलेगा और डेजर्ट, यानी कि राजस्थान का जो एरिया है वो डेजर्ट है और वहाँ पे उनको कैमल्स देखने को मिले। ठीक है, आगे वो फाइनली वो मूव करते हैं पूरी और वहाँ विज़िट करते हैं एक सी बीच को और वहाँ पे उन्हें कैजोरीना ट्रीज देखने को मिलती हैं। ऐसे ही उन्होंने इस सब को विज़िट करने के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि ये जो प्लेसेस हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। एंड सम वर कोल्ड, कुछ जगह तो कोल्ड है यानी कि ठंडी है, एंड सम वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ जो है हॉट है और ड्राई हैं, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा आर्द्रता बहुत जगह देखने को मिली, एंड सम एट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म, इन सब के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग क्रिएचर्स देखने को मिले डिफरेंट काइंड्स के। ठीक है, तो बूझो के मन में एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया ये मतलब स्टक कर गया कि क्या ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं हर जगह पाए जाते हैं। उसने सोचा क्या पता कबर्ड में नहीं पाए जाते होंगे, उसके अलमीरा में नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे देखा एक टाइनी स्पाइडर उसको देखने को मिला। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हर जगह पाए जाते हैं। इनफैक्ट जब वो रीड कर रही थी कि इसके बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और कहाँ पाए जाते हैं, तो उन्हें उसे वॉल्केनोज के बारे में पता है कि वहाँ पे भी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, जिसमें से गर्म लावे निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो सोचिए एक बहुत ज़्यादा हॉट प्लेस पे भी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है। तो चलिए देखते हैं इस आगे की हेडिंग में हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो वो जैसे कि वो बहुत से प्लेसेस भी उन्होंने विज़िट किया तो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट, जैसे डिज़र्ट में कैमल देखने को मिले, माउंटेन में उन्हें गोट्स और यॉर्क देखने को मिले, पूरी में उन्हें सम क्रिएचर्स क्रैब्स देखने को मिले। ठीक है, और यहाँ तक कि उन्हें फिश भी देखने को मिला। ऐसे ही बहुत से लोकेशंस में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखा। फिर उसके बाद वो यहाँ पर डिस्कस किया गया हैबिटेट एंड अडेप्टेशंस के बारे में। हैबिटेट यानी कि वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में लॉन्ग समय से पाया जाता है वो उसका हैबिटेट हो जाता है और वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट कर लेता है। जैसे आप
किसी अपने घर से कहीं दूसरी जगह जाएं तो एक दिन में आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब वहाँ धीरे धीरे रहने लग जाते हैं आप, तो वहाँ पे आप वहाँ के लोगों को जाने लगते हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर से आपको मतलब एक रूबरू हो जाती है ना, और क्या करते हैं वहाँ के आप कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ वही सेम चीज़ें यहाँ भी है कि हैबिटेट क्या है, अडेप्टेशन क्या है, इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे दो या इन द सी अगर हम देखें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन, यानी सलाइन वाटर, यानी कि सॉल्टी वाटर होता है समुद्र में, है ना। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर, और जो बहुत से जो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जो वाटर डिजॉल्व होता है वाटर में, उसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं। देर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, अगर हम डेजर्ट की बात करें, जैसे समुद्र में आपको बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिला, तो वैसे डेजर्ट में आपको बहुत कम पानी को देखने को मिलेगा, यानी कि पानी होता ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी हॉट, है ना, बहुत गर्मी है डे के टाइम में, यानी दिन में बहुत गर्म और रात को क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है डेजर्ट। ठीक है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीद एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, क्या करते हैं जो वहाँ के एनिमल्स और डेजर्ट में रहते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल करते हैं एयर के थ्रू, ठीक है, जो उनके चारों तरफ मौजूद है। अगर हम बात करें तो द सी एंड द डेजर्ट की, तो दो डिफरेंट सराउंडिंग को लेके यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है कि आखिर क्या बात होती है जो वहाँ के एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरीके के जीव जंतु वहाँ के हैबिटेट बन जाते हैं और वहाँ के वेदर कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डेजर्ट प्लेस की, जो उन्होंने राजस्थान में विज़िट किया, तो क्या था वहाँ पे, अगर हम एक कैमल की एग्जांपल ले डेजर्ट प्लेस से और एक फिश का ले सी से, तो किस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर उनका होता है जो उनको वहाँ रहने में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम एक कैमल की ले, तो कैमल के लॉन्ग लेग्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग लेग्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं सैंड से उसकी बॉडी को दूर रखने में, वो जो गर्म रेत होती है उससे उनके बॉडी को दूर रखने में हेल्प करते हैं। और क्या होता है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत कम उनमें यूरिन जो होता है बहुत कम एक्सक्रीट होता है, ठीक है, और देयर डंग इज़ ड्राई, और जो उनका डंग होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और उनको स्वेट नहीं होता, यानी पसीना नहीं होता है। सिंस कैमल्स लूज़ वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि वो बहुत कम वाटर रिलीज़ होती है उनकी बॉडी से, ठीक है, दे कैन लिव फ्रॉम मेनी डेज़ विदाउट वाटर, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दिनों तक बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं डेजर्ट में। तो आगे देखते हैं, ऐसे ही हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेस के बारे में देखेंगे, ठीक है, आखिर कौन सी बात होती है जो उन्हें वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करती है, तो उनकी वो जो होती है उनका बॉडी शेप होता है, तो उनकी बॉडी शेप होती है स्ट्रीम लाइन, जो कि उनको हेल्प करती है वाटर में सर्वाइव करने की, ठीक है। एक मिनट, हाँ, वो स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप उनको हेल्प करती है इनसाइड वाटर सर्वाइव करने के लिए। और क्या होता है, उसके पास फिन होता है जो कि उसको हेल्प करता है तैरने के लिए, और इनके पास क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं मूवमेंट में, ठीक है, वाटर में मूवमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और इनके पास वही फ्लैट फिन्स होती हैं जो कि उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती हैं और वाटर में बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। उनके पास गिल्स होते हैं जो कि वहाँ पे जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो यूज़ कर लेती हैं। वी सी दैट फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प्स इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट। ऐसे जैसे कि फिश के बारे में हमने देखा, उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको इनटेक कर लेते हैं, और उनके फिन होते हैं जो कि उनको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी उनको तैरने में हेल्प करती है। तो इस तरीके के फीचर जो होती हैं फिश को वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। ऐसे डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए कैमल के पास लॉन्ग लेग होता है, यहाँ पर आप देखिए पिक्चर्स के थ्रू लॉन्ग लेग होता है जो उनको सैंड से दूर रखता है, और उनके बॉडी से बहुत कम मात्रा में यूरिन एक्सक्रीट होता है जिससे वो उनमें पानी की कमी भी नहीं होती है, और उनका जो डंग होता है जो उनका गोबर होता है वो बहुत ज़्यादा सूखा होता है। तो ये सब फीचर्स एक ऊँट को डेजर्ट में रहने के लिए सूटेबल है, ऐसे ही फिश के लिए भी है, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनके फिन, ठीक है, और गिल्स, ये सब उनको हेल्प करते हैं। अगर
इन दोनों एग्जाम्पल्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा अच्छे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग विच दे आर नॉर्मली फाउंड। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि आखिर उनके जो फीचर्स हैं उनको कैसे हेल्प करते हैं किसी सराउंडिंग में रहने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल ऑन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। जो इस तरीके के उनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर होता है, सबसे अलग फीचर है ना, सर्टेन हैबिट्स जो उनके अंदर कुछ हैबिट्स होते हैं, जैसे अगर हम कैमल का ले तो उनके एक्सक्रीट करने का यूरिन बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, और ऐसे ही विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली, इस तरीके से वो प्राकृतिक तरीके से नेचुरली क्या करते हैं, किसी प्लेस को क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग, ठीक है, वो प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे और किस तरीके का वो क्रिएचर है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर, यही कारण है कि कोई मछली क्या करती है, पानी के बाहर नहीं रह सकती, और कोई कैमल क्या है, सी में नहीं रह सकता, ठीक है। द प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी कि जो प्लेस होते हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कोई क्रिएचर रहता है, वो क्या होता है, उनका हैबिटेट होता है। जैसे हम घर में रहते हैं तो क्या है, ये हमारा हैबिटेट है, ये हमारा आवास है, वैसे ही वो किसी जगह में नेचुरली जहाँ वो रहने लगते हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडाप्ट कर लेते हैं, वही उनका क्या होता है, हैबिटेट हो जाता है, आवास हो जाता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मतलब एक होम की तरह होता है। द हैबिटेट्स प्रोवाइड्स फूड, ठीक है, उनको वहाँ फूड मिल जाता है, वाटर, एयर, शेल्टर यानी कि छांव मिल जाती है रहने के लिए, एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म की नीड होती है उसको हैबिटेट पूरा करता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिव इन द सेम हैबिटेट, बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि एक ही तरीके के हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे कि इन सब के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे कि कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, कुछ एक्वेटिक हैं, इसी तरह हम टेरेस्ट्रियल के बारे में पढ़ते हैं आखिर है क्या, ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जैसे जो जंगल हैं, ग्रासलैंड्स हैं ना, घास के मैदान हैं, डेजर्ट है, रेगिस्तान हुआ, कोस्टल एरियाज है ना, एंड माउंटेन रीजन्स, जो माउंटेन है, ये सब क्या है, ये टेरेस्ट्रियल है, ये सब क्या है, जो जितने भी जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे ज़मीन पर पाए जाते हैं क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल एक्वेटिक, और इसके अलावा कोई प्लांट या जीवित जीव जंतु जो पानी में रहता है उन्हें एक्वेटिक यानी कि जलीय जीव जंतु कहते हैं, उन्हें जलीय आवासीय जीव जंतु कहते हैं। जैसे वो कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, लेक्स, रिवर, ये सब क्या है, ओशियंस, ये सब क्या है, ये एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं, यानी कि ये जलीय आवास है, ठीक है। देयर आर अ लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, है ना, आपने टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे पाए जाते हैं उसमें आपको फॉरेस्ट देखने को मिला, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन देखने को मिले, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट और इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं लिविंग इन हैबिटेट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक कहते हैं, ठीक है। एंड द नॉन बायोटिक जो एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। जो नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अ रॉक हुआ, सॉइल हुआ, एयर, वाटर हुआ, इन द हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक, यानी कि सब जैविक हैं और ये अजैविक घटक हैं, लेकिन हम दोनों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बायोटिक या अबायोटिक दोनों को मिला के दोनों पे ही रिलाई करता है। आगे देखते हैं, जैसे एक आपको यहाँ पे एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि हमने चैप्टर वन एक्टिविटी फिफ्थ है चैप्टर वन में हमने किया था, वी मेड स्प्राउट्स, हमने कुछ अंकुरित
बीज को जर्मिनेट करने की कोशिश की थी, चना सीड्स को लिया था और मूंग को लिया था, है ना, उसको स्प्राउट्स में कन्वर्ट कर दिया था। इट इज़ सेड टू हैव जर्मिनेटेड, और ये हमने मतलब हमने ये बोला था कि हाँ ये जर्मिनेट कर गया है, इसमें अब अंकुरित हो चुका है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट, जो कि एक नए पौधे की एक जीवन की शुरुआत थी। ऐसे ही आप कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, ठीक है, सॉरी, कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। एक मतलब आप एक बॉल में आप एक सीड ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का सीड ले लें, मूंग ले लें या ग्राम का ले लें, उसको क्या करें, एक को मतलब सबको पानी दें, कुछ को फ्रीज में रख दें, कुछ को सनलाइट दें, किसी को डार्क कमरे में रख दें, यानी कि कबर्ड में रख दें, आप देखेंगे कि इसमें ग्रोथ जल्दी होगा या फिर कुछ होगा जिसमें ग्रोथ होगा ही नहीं। तो आप देखेंगे जो जिसको प्रॉपर सनलाइट मिला, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें ग्रोथ अच्छे से होगा। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, ठीक है, वाटर, लाइट, हीट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने अभी देखा कि एक बॉल लें जिसमें आप कोई सीड ले लें, ग्राम ले लें कोई, एक को सनलाइट मिले प्रॉपर, एयर मिले उसको, प्रॉपर एयर मिले, ठीक है, एयर, सनलाइट, सॉइल, ये सब प्रॉपर मिले, है ना, और एक हो जिसको ये सब ना मिले, उसको फ्रीज कर दे, तो आप देखेंगे जिसमें सनलाइट मिला हो, एयर मिला हो, जिसमें सॉइल पड़ी हो, सब क्या है, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि सीड को जर्नेट करने में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो हमने रखा है कवर्ड में, वो क्या होगा, उसमें इतनी जल्दी जर्नेशन देखने को नहीं मिलेगा। और एक तीसरा जो हमने फ्रीज में करके रखा है वो बिल्कुल जर्नेट नहीं करेगा। यानी कि ये जो सब फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ ऑफ अ प्लांट्स के, एक किसी पेड़ पौधे के उगने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट संगठक हैं, ठीक है। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एबायोटिक है यानी कि जो जैविक घटक है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि कुछ जीव जंतु हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे एटमॉस्फेयर में भी सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत गर्म में, इजंट इट, ऐसा है ना, हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, वो क्या है, अडेप्टेशन इज द मेथड बाई विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। अडेप्टेशन यानी कि उनके उस एटमॉस्फेयर के प्रति सर्वाइव करने की जो शक्ति होती है, जो उनको वहाँ रहने के जो उनके बॉडी फीचर्स होते हैं, वो सब इन सब में हेल्प करते हैं। हमने ऊपर अभी इन सब के बारे में डिस्कस किया, अभी मैं फिर से उसके बारे में डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आगे देखें, अडेप्टेशन डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, एक ही दिन में आप किसी चीज़ को अडाप्ट नहीं कर लेते। जैसे आप किसी के घर रहें, किसी मतलब मामा के यहाँ जाएँ या कहीं जाए रहने, तो आप एक ही दिन में वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपके घर में जैसी होती हैं वहाँ पे वैसी नहीं होती हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे रुक के देखने में, वैसे ही अडेप्टेशन है, उसी को अडेप्टेशन ही कहते हैं, कोई चीज़ अडॉप्ट कर ले, है ना, वो क्या है, अडेप्टेशन है। ऐसे ही एक ही दिन में नहीं हो जाता, ठीक है, बल्कि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है ना। एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दीज चेंजेस डाई, और जो इस अडाप्टेशंस को, इसको कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव को मानने को लिए मानने के लिए तैयार नहीं होते, वो क्या करते हैं, डाई, यानी कि मर जाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव, और जो अडॉप्ट कर लेता है वो क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज, ठीक है, डिफरेंट वेज में वो कैसे एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं वो कैसे वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। दीज रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, यही जो रिजल्ट है किसका, वाइड वेराइटी का, आपको बहुत से सारी विविधताएँ देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में, यानी कि बहुत ज़्यादा अलग अलग आवास में। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, इसको भी हम रीड करेंगे बिटवीन लाइन, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दूँ, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में सोचो एक स्नैक है ना, और एक
माउस कैसे सर्वाइव करता है, ठीक है। वो ऐसे सर्वाइव करते हैं जैसे कि अगर दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है वहाँ का, ये सैंड जो है बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बाहर का बहुत गर्म होता है, तो क्या करते हैं ऐसे बोरोज़ बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं, ये वहाँ रहते हैं और रात के समय जब वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तभी वो बाहर निकलते हैं। जैसे अभी कैक्टस देखें, कैक्टस कैसे सर्वाइव करता है डेजर्ट में, तो इसके जो ये नुकीले देखें यहाँ पे, नुकीला जो ये स्पाइक्स है उसको हेल्प करता है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। और ये बहुत, जैसे अगर एक नॉर्मल जो प्लेन्स लैंड में पाया जाता है कोई प्लांट ले और एक कैक्टस का प्लांट ले, ठीक है, और दोनों को उसके लीव्स को क्या करें पॉलीथीन बैग से टाइटली बांधते, तो आप देखेंगे जो एक नॉर्मल प्लेन्स लैंड में पाया जाता है प्लांट उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो बहुत अधिक होगी कंपेयर टू कैक्टस प्लांट, ठीक है। और इसमें बहुत कम पानी आपको निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि इनका जो ये यही सब इनके फीचर्स जो है इनको हेल्प करते हैं डेजर्ट के एटमॉस्फेयर में ढलने में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम डेजर्ट की बात करें, ठीक है, वी डिस्कस्ड इसका हेडिंग क्या है, अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में दिए गए हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन में कैसे डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में बताया गया है। जैसे अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। हमने कैमल्स के अडेप्टेशन कैसे वहाँ पर सर्वाइव करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर एक रैट्स और स्नैक वाला हमने पढ़ ही लिया है कि कैसे वो लॉन्ग, जैसे कि अगर मान लो कैमल के पास तो लॉन्ग लेग था जो कि उसको सैंड से प्रोटेक्ट करता था, है ना, ठीक है। लेकिन ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं स्नैक्स और रैट्स कैसे रहते हैं, हमने डिस्कस किया कि बोरोज में रहते हैं, ठीक है, और तभी बाहर आते हैं रात को, यानी कि जब वहाँ का जो वेदर होता है वो कूल डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे एक कैक्टस का देख लेते हैं जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करता है, ठीक है। उसको ऐसे टाई कर दे पॉलीथीन बैग से, उसके बाद आप जैसे हमने बातें की कि इसमें ट्रांसपिरेशन जो होता है वो बहुत कम होता है, तो वही बताया गया है यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए, डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर, ठीक है। हमने यहाँ अभी डिस्कस किया था कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसमें बहुत कम वाटर रिलीज होता है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट, कभी कभी होता है कि डेजर्ट प्लांट्स में लीव्स होते ही नहीं हैं, या फिर वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे ही होते हैं, या फिर क्या होता है उनमें स्पाइंस पाए जाते हैं, जैसे कि आपने कैक्टस के प्लांट्स में देखा, जो कि क्या करते हैं हेल्प करते हैं इसको रिड्यूस करने में कम पानी को, ठीक है। द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज, जैसे कि आपने स्ट्रक्चर देखा कैक्टस का कैसे स्पाइंस होते हैं उसमें, ठीक है, और कम पानी रिड्यूस करता है, ये सब उसको एक बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड करते हैं डेजर्ट लैंड में सर्वाइव करने के लिए। और क्या होता है इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, क्वेश्चंस में भी आपको पूछ सकता है कि आखिर कैक्टस कैसे सर्वाइव कर लेता है या फिर एनिमल्स कैसे सर्वाइव कर लेते हैं। ऐसे चार ऑप्शन दे रखेगा जिसमें से तीन सही होंगे एक गलत होगा, या फिर चारों सही होगा ऑल ऑफ द अबव बोलेगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कैक्टस है तो पूछ लेगा कि आप कैक्टस कैसे सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट लैंड में, तो आप बताएंगे ऑप्शन में दे रखेगा कि स्पाइंस उसके होते हैं, ठीक है, ज़्यादा वाटर रिलीज नहीं होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। और क्या होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड कैसे वो प्रिपेयर करते हैं, उनके स्टेम्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ये सब क्या करते हैं, ऐसे तीन ऑप्शन दे रखेगा और बोलेगा ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। ऐसे ही कुछ होगा एक गायब कर देगा, या होगा कि एक सही होगा तीन गलत होगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, इसीलिए सभी लाइनों को केयरफुली वॉच करें। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद द, एक मिनट, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टी, ठीक है। इसका जो थिक वैक्सी लेयर होता है स्टेम का, ठीक है, वो हेल्प करता है वाटर को रिटेन करने में। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स
और बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ऐसा रूट्स होता है कि वो सॉइल्स के नीचे बहुत ज़्यादा वो चले जाते हैं। जितना बड़ा पेड़ नहीं होगा उससे ज़्यादा उनकी बड़ी रूट्स होगी, जो कि उनको वहाँ से डीप एरिया से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सॉइल में से। ऐसे माउंटेन रीजन्स की बात करें तो माउंटेन रीजन्स में किस तरह के हैबिटेट्स पाए जाते हैं, वहाँ का ऐसा वेदर कंडीशन होता है, वहाँ पे कैसे वहाँ के जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं कैसे सर्वाइव करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो वहाँ का एटमोसफियर होता है कोल्ड और विंडी, बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलती है, कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल्स भी होते हैं, ठीक है, ठंडियों के मौसम में, ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। लार्ज नंबर ऑफ वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की माउंटेन रीजन में। जैसे कि आपको देखिए अगर ट्रीज़ कैसे होते हैं, तो ट्रीज़ जनरली होते हैं कोनीफेरस, कुछ ऐसे कोन की तरह, ये देखिए कुछ ऐसे कोन की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें हम कोनीफेरस प्लांट्स भी कहते हैं। ये कैसे सर्वाइव करती हैं, चलिए इनके फीचर्स देखते हैं आखिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों में से बहुत से लोगों ने माउंटेन रीजन को विजिट किया होगा और आपने देखा भी होगा लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को, ठीक है। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज़ नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन, क्या ये नेचुरली अदर रीजन्स में भी ग्रो करती हैं? बहुत कम देखने को मिलती है या फिर नहीं देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो कैसे वहाँ के एटमोसफियर को अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। दीज ट्रीज़ आर नॉर्मली कोन शेप्ड, तो हमने देखा कि ये कैसी हैं, कोन शेप्ड हैं, ठीक है, और क्या है, एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेज, यानी कि कुछ ऐसे नीचे की तरफ ब्रांचेज हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ ट्रीज आर निडल लाइक, ठीक है, उनके जो लीव्स हैं वो निडल लाइक है, एकदम सुई की तरह। दीज हेल्प्स टू रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजिली, इससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होते हैं और जो आपको वहाँ पे ठंडियों में स्नोफॉल्स देखने को मिलते हैं वो ईजिली नीचे ऐसे स्लिप करके गिर जाते हैं, इसे पेड़ को कोई नुकसान नहीं होता है। देयर कुड बी ट्री विच से वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन, बहुत तरीके के पेड़ देखने को मिलेंगे। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस, उनके पास अलग अलग तरीके की फीचर्स होते हैं जो उनको वहाँ का वेदर कंडीशंस अडाप्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो आखिर एनिमल्स कैसे वहाँ के कंडीशंस को अडाप्ट करते हैं, अगर हम बात करें तो एनिमल्स की, तो उनके थिक स्किन्स होते हैं या फिर उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा फर यानी बाल होंगे जो कि उनको ठंड से बचाते हैं। जैसे कि अगर हम यॉर्क्स लें तो यॉर्क्स हैव अ लॉन्ग हेयर, ठीक है, उसके पास बहुत लंबे बाल होते हैं टू कीप देम वार्म, वो उनको गर्म रखता है। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर, और जो स्नो लेपर्ड होता है उसके जो थिक फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं उनके जो बॉडी पे पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, इसके जो फर है बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए यॉर्क है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर हमने स्नो लेपर्ड या किया क्या है, ये माउंटेन गोट है, जो कि आपको प्लेन्स में ऐसी गोट नहीं देखने को मिलेंगी, इससे डिफरेंट होती हैं। तो आखिर क्या बातें हैं जो उनको वहाँ पे रहने के लिए ड्राइव करने के लिए हेल्प करती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। इनके जो फीट और टोज होते हैं उससे भी उस पर भी बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी होती है इनके, उस पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। दीज प्रोटेक्ट्स इट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक ऑन द स्नो, और इसके पैर को वो ठंड से बचाती है जब ये स्नो पे चलते हैं, बर्फ पे चलते हैं। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप, उसके जो हूफ्स होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या हैं, पंजे, पंजे तो होते नहीं, इनके हूप्स होते हैं जो उनके पैर की बनावट होती है, उनको हूप्स कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनको रॉकी स्लोप्स पे दौड़ने में हेल्प करते हैं माउंटेन में। एज़ वी गो अप इन द माउंटेन रीजन द सराउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट, ऐसे जैसे हम ऊपर माउंटेन पे बढ़ते जाएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वहाँ पे क्रिएचर्स एनिमल प्लांट्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अडेप्टेशंस को फॉलो करते हैं। अगर हम ऐसे ग्रास लैंड में चले तो ग्रास लैंड एक घास का मैदान में, वहाँ पे आपको लॉयन देखने को मिल जाएगा और डियर देखने को मिल जाएगा। तो आखिर ग्रास लैंड में लॉयन कैसे सर्वाइव करता है तो उसके बारे में देखते हैं। ये रहा लॉयन और ये रहा डियर, तो देखिए आखिर ये कैसे सरवाइव करता है। जो लॉयन होता है इसकी बॉडी होती है लाइट ब्राउन, ठीक है,
जो उसको हाइड करने में हेल्प करती है, ग्रासलैंड में सूखे जो घास के मैदान है वहाँ पे छुपने में हेल्प करती है। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, अगर किसी एनिमल्स को खाने के लिए यानी किसी शिकार को ये पकड़ते हैं तो उसमें हेल्प करती है, छुप के आसानी से शिकार कर सकते हैं। द आइज़ इन फ्रंट ऑफ द फेस, जो उसकी आइज़ है उनके फ्रंट्स में होती हैं, आँख हो गए ठीक है, आँख उसके एकदम फेस के सामने होता है, जो कि उसको मतलब जो शिकार किस डायरेक्शन में है उसका एकदम करेक्ट आइडिया दे देता है उस लोकेशंस का। ऐसे ही अगर हम डियर की बात करें तो डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि जंगल और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। क्या आखिर कैसे ये बच जाता है? इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट्स, एक शाकाहारी है तो प्लांट्स इसके पास जो टीथ होते हैं, ये फीचर्स, ये सब फीचर्स आपको रिमेंबर रखने हैं क्योंकि ऐसे ही बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर डियर्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं जो उसको ग्रासलैंड में या फॉरेस्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो उनके क्या होते हैं, पहला फीचर्स तो यही होगा कि उनके जो टीथ होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि उनको हार्ड प्लांट्स को खाने में मदद करते हैं। स्टेम ऑफ द फॉरेस्ट जो होता है उन सबको, आर डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स, कैसे वो जान जाता है? अगर कहीं डियर है तो आप समझ लो वहाँ पे लॉयन भी है ठीक है, एनिमल लाइक लॉयन दैट मेक इट देयर प्रे, जो इसको अपना शिकार बनाता है, लॉयन डियर को अपना शिकार बनाता है हिरन को। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, अगर कोई लॉयन इसको पकड़ने आ रहा है डियर को तो वो उससे कैसे बचेगा, तो इसके लिए इसके पास क्या होता है, इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर्स, तो उसके कान जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, अगर थोड़ा भी मूवमेंट होता है, थोड़ी भी हलचल होती है तो ये समझ जाता है और वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड, उसके जो आँख होते हैं मतलब जो उसका हेड है उसके साइड में होते हैं, जो उसको ऑल डायरेक्शन में देखने में हेल्प करते हैं और उस डेंजर को पहचाने में हेल्प करते हैं। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स, और वो काफ़ी तेज़ दौड़ता है डियर, जो कि उसको शिकार, जो उसको शिकार करने शिकारी आ रहा है उससे बचाने में हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी अदर फीचर ऑफ लायन आर डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे हम सम एक्वेटिक हैबिटेट्स की देख ले तो आखिर जो जलीय आवास है वहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर हम ओशियंस की बात करें तो ओशियंस में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि कैसे फ़िश वहाँ के लाइफ को अडेप्ट कर लेती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी उनकी कैसे हेल्प करती है ठीक है, इजीली वाटर में मूव कर ले करने के लिए। इन सब के अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिले, जैसे स्क्वाइड्स एंड ऑक्टोपस, ये कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं ठीक है, और क्योंकि इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी भी नहीं होती है, फ़िश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है लेकिन ऑक्टोपस और स्क्वाइड्स की नहीं होती है। ये क्या करते हैं, दे स्टे डीपर इन द ओशियंस, वो ओशियंस में बहुत नीचे सतह में रहते हैं ठीक है, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स देम, और कोई भी शिकार अगल बगल से गुजरता है तो उनको ईजिली पकड़ लेते हैं। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी, और लेकिन जब पानी में मूव करते हैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रीम लाइन बना लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव गिल्स ठीक है, जैसे फिश के पास गिल्स होती है वैसे जो स्क्वाट्स और ये हैं इनके पास भी गिल्स होती हैं, और जो क्या करती हैं इनको ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में उसको इनटेक करने में हेल्प करती हैं। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स, डॉल्फिन और व्हेल्स के पास क्या होता है, व्हेल्स के पास, डॉल्फिन और व्हेल्स के पास गिल्स नहीं पाए जाते हैं, और कि कैसे वो ब्रीथ करते हैं, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू, जो नासारंध्र कहते हैं नॉस्ट्रिल को, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, या फिर इन्हें को इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लो होल्स ठीक है, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड्स, उनके हेड्स के ऊपर वाले पार्ट्स पे पाया जाता है। दीज अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आपने कोई मूवीज़ देखी होंगी जो कि ऐसे ओशियन लाइफ पे फिल्म की गई होंगी, तो उसने देखा होगा कि कैसे डॉल्फिन सतह के पास आती हैं और कैसे बाहर बार बार आती हैं, तो वो किस लिए आती हैं, वो वहाँ से एटमॉस्फेयर से एयर को लेने के लिए आती हैं, ब्रीद करने के लिए आती हैं, और ये काफ़ी समय तक ये बिना ब्रीदिंग के भी, विदाउट ब्रीदिंग भी सर्वाइव कर सकती हैं। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो बार बार आती रहती हैं टू ब्रीद इन एयर, यानी कि एयर को लेने के लिए। डिड यू एवर सी
दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविज़न, जो हमने बात की कि ऐसे कोई फिल्म हो जो ओशन लाइफ पे फिल्म की गई हो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और पॉन्ड्स और लेक्स के हैबिटेट्स के बारे में हम देखेंगे। आखिर पॉन्ड और जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में पॉन्ड और लेक्स भी आते हैं, यानी कि जो जलीय आवास है उसमें पॉन्ड्स और लेक्स आते हैं, तो उसमें कैसे कोई प्लांट्स या एनिमल्स कैसे सर्वाइव करता है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स जो कि पॉन्ड्स में पाए जाते हैं या रिवर या लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पता करते हैं आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली तीन तरीके के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा जो कि जिसके जो रूट्स होंगे एकदम नीचे सॉइल में टच करते होंगे, जो वाटर है, और एक होगा और उनकी बॉडी जो है सॉइल के ऊपर होगी, और एक होगा जो कि जिनका जो रूट है वो पानी में तैरता होगा और बॉडी ऊपर होगी, और एक होगी जो एक मतलब प्लांट्स होते हैं जो पूरी तरीके से वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी और रूट दोनों ही पानी में पाए जाते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है और वो कैसे वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन पे पाए जाते हैं पेड़ पौधे, इनके जो रूट करते हैं इनको होल्ड करने में तो हेल्प करते ही हैं, इसके अलावा उनको एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करते हैं, यानी कि पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं सॉइल से, ठीक है। और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एंड देयर मेन फंक्शन इज़ टू होल्ड द प्लांट्स इन प्लेस, और क्या करते हैं वो उसको ज़मीन में खड़ा रखने में हेल्प करता है, यानी कि उस वाटर में होल्ड करने में हेल्प करता है द स्टेम ऑफ। और इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनके स्टेम्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हॉलो यानी कि खोखले होते हैं, और लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, जो स्टेम होता है ग्रो करता है वाटर सरफेस के ऊपर, ठीक है, वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो लीव और फ्लावर्स होते हैं फ्लोट करते हैं वाटर सरफेस पे। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, जैसे हमने बात किया कि कुछ होते हैं जो कि पूरे तरीके से, जैसे मान लीजिए वाटर है तो पूरे तरीके से बस नहीं वाटर में ही रह जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है, सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स, क्या होता है कि इनके जो पत्ती होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जो कि क्या करते हैं, दीज कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर, अगर पानी बह रहा है तो उसमें बेंड हो जाते हैं, इससे उनके जो इन सबमर्ज प्लांट्स में ऐसा फीचर देखने को मिलता है। लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड, क्या होता है कि उनके जो पत्ते होते हैं हाईली डिवाइडेड होते हैं, जिससे क्या होता है पानी आसानी से फ्लो हो जाता है, ताकि और उनके पत्तों को कोई डैमेज नहीं करता, ठीक है। हम फ्रॉग्स के बारे में देखिए, ये भी एक्वेटिक है, ठीक है, एक्वेटिक भी है और लैंड पे भी सर्वाइव करता है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो कौन सा इसका ऐसा फीचर है जिससे पॉन्ड्स में रहने में सर्वाइव करता है, अगर हम फ्रॉग की बात करें तो कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड, यानी कि ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी है, ठीक है। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प इन देम इन लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, इनके जो पैर पिछले जो पैर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो इनको छलने में हेल्प करता है और अपने शिकार को पकड़ने में हेल्प करता है। दे हैव वेब फीट, और इनका जो पंजा होता है वो क्या होता है, वेब्ड होता है, जाल नुमा बना होता है, विच हेल्प देम स्विम इन वाटर, जो इनको वाटर में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी, तो हमने कुछ जानवरों के या प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस किया जो एक्वेटिक हैं, ऐसे बहुत से भी हैं, ठीक है। तो हम ये क्योंकि हमने बताया कि हम इस वीडियो को दो पार्ट में करने वाले, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हमारा आज का था पार्ट वन, ठीक है। तो अगले हम पार्ट्स में, पार्ट टू में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बारे में, यानी कि और भी बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनमें जो पाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम इस बारे में पता करेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि नॉन लिविंग क्या है और लिविंग क्या है, लिविंग में क्या ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लिविंग कह सकते हैं, और नॉन लिविंग आखिर उनमें कौन सा ऐसा फीचर नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से वो
नॉन लिविंग है, जैसे अगर हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले तो लिविंग की बात करें तो उनमें मूवमेंट होता है, ठीक है, उनका खुद का मूवमेंट होता है, उनमें रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होते हैं, यानी कि उनमें खुद के जैसे यंग वंस को बर्थ देने की एबिलिटी होती है, रेस्पिरेशन हो गया, उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशंस के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है जो कि उनके बॉडी को ग्रोअप में हेल्प करती है। तो यही सब फीचर्स हैं जो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में जिसका नाम है लेट्स क्रश दी साइंस। क्रश में अलग स्पेलिंग है थोड़ा, CRUSSSSH, ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के